निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना 2022। योगी सरकार दे रही है पशुपालक किसान को फ्री में देसी गाय और देखभाल करने पर 900 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना 2022। योगी सरकार दे रही है पशुपालक किसान को फ्री में देसी गाय और देखभाल करने पर 900 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकटो न्यूज में। लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने राज्य में केमिकल मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए नेचुरल फार्मिंग योजना संचालित कर रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य में नेचुरल फार्मिंग को सफल बनाने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड के गठन के पश्चात अब राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने गोवंश को समृद्धि के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब सरकार प्राकृतिक खेती करने के लिए देसी गाय पालने पर किसानों को अनुदान देगी। योगी सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य किसानों को एक देसी गाय के लिए हर महीने 900 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। इसके अलावा सरकार ने इस फैसले को और लिया है। इस फैसले के अनुसार यदि कोई पशुपालक या पशु मालिक अपने मवेशी को आवारा सड़क पर छोड़ता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उससे जुर्माना भी भरवाएगी। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत मिलेंगे पैसे। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निराश्रित बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2021 को मंजूरी दी थी। यूपी सरकार ने इस योजना के तहत गोवंश की समृद्धि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने किसानों की सहभागिता योजना के तहत देसी गाय देने के साथ ही आवारा मवेशी की देखभाल पर 900 रुपए महीने देने की घोषणा की है ताकि गोवंश को पालने का भार पशुपालक पर न पड़े। इसके अलावा जिन किसानों के पास देसी गाय नहीं है उन्हें सरकार की ओर से एक देसी गाय मुफ्त में मुहैया करवाई जाएगी। इस देसी गाय की सहायता से किसान बेहतर प्राकृतिक खेती कर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। क्या सरकार के मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गोवंश को इच्छुक लोगों को पालने के लिए दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार द्वारा 2022 में की गई पशुगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 205.66 लाख गोवंश है। इसमें करीब 12 लाख के आसपास मवेशी बेसहारा और निराश्रित पाए गए हैं। यदि किसान योजना के तहत अगर 10 बेसहारा मवेशियों को सहारा देता है यानी उनकी देखभाल करता है तो प्रतिदिन के हिसाब से वो 300 रुपए कमा सकता है। इसके अतिरिक्त हर महीने 9000 रुपए की अतिरिक्त आय किसानों को मिलेगी। उनकी बेहतरी को ढंग से देखभाल के लिए सरकार हर महीने 900 रुपए देगी। सरकार की इस योजना से प्रधानमंत्री के 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के मिशन को भी सफलता मिलेगी। सरकार के फैसले के अनुसार मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना इस काम के लिए नाबार्ड की सहायता ली जाएगी। इसके साथ साथ सरकार की ओर से गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। सामाजिक सहभागिता से बेसहारा गोवंश की संख्या में आएगी कमी। गोवंश की समृद्धि को लेकर किए गए फैसले के अनुसार सरकार का मानना है कि पशुपालक व किसानों द्वारा आवारा पशुओं को आश्रय देने से रास्ते में निराश्रित पशुओं द्वारा होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही आवारा पशुओं को भी आश्रय देने से खेती में होने वाले नुकसान खत्म होगा। इसके साथ ही आवारा मवेशियों की देखभाल कर अतिरिक्त आय भी कर सकते हैं तथा इसकी सहायता से कृषि में लागत को कम कर प्राकृतिक खेती से अपनी आय को दुगुना भी कर सकते हैं। सरकार अपने इस फैसले के तहत पहले चरण में लगभग 1 लाख पशुओं को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार का करीब 109.50 लाख रुपए खर्च होगा। इस योजना से सामाजिक सहभागिता बढ़ेगी और निराश्रित बेसहारा गोवंश की संख्या में कमी आएगी। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश 2022 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।